हेलो एवरीवन गुड इवनिंग जैसे आपको बताया हमारा आज का जो करंट अफेयर का सेशन है वो ट्वेल्थ से लेके एटीन ऑफ जून के लास्ट वीक के जो करंट अफेयर है उनको आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है जी लास्ट वीक की करंट अफेयर्स हमने पहले डिस्कस किए थे आज आगे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर जो वीकली हमारा चलता है सेशन एक बार आ जाओ सारे फिर हम स्टार्ट करते हैं जी कोई डाउट है आपको कोई जो लास्ट के करंट अफेयर के सेशन थे ठीक है जी जो लास्ट के करंट अफेयर के सेशन है वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर किसी ने देखने हैं और जो ये नोट्स होते हैं जो आज हम पीडीएफ डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी ये पी होगी जो आज हमने डिस्कस करना है जो लास्ट वीक के करंट अफेयर चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास सबसे पहले देखिए क्या न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यू एन सी टी ए डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन्होंने एक रिपोर्ट दी है रिपोर्ट का नाम क्या है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट सबसे पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है तो आंसर क्या है जी आपका यू एन सी टी ए डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके बारे में अभी थोड़ा सा बाद में देखते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में कि क्या है ये आप सिंपल एक चीज जानिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि जो एफ है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होगा जिसको कि एफ और एक होता है एफ और इसके साथ में एक चीज क्या होती है एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एफ और एफ में क्या फर्क होता है एफ होता है कोई भी बड़ी कंपनी है ठीक है जी फॉरेन कंपनी है उसने आके इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट किया यहाँ पे उन्होंने लैंड खरीदी उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाने शुरू किए तो वो क्या होगा इंडिया में उन्होंने एफ की है एफ क्या होता है कोई कंपनी ने इंडियन किसी कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिए तो वो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ये क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए एफ लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो अभी जो ये न्यूज़ आई है इसमें क्या है कि जो एफ की अगर बात करें जो बाहर से पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होता है कुछ चीज़ों को बनाने के लिए वो एफ रैंकिंग की इंडिया में कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रिपोर्ट दी है यू एन ने कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और माना गया है कि इंडिया का रैंक क्या आया है सेवन्थ अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इंडिया रैंकड सेवन्थ जहां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है किसके बाद यूएसए सबसे ऊपर फिर चाइना हांगकॉन्ग सिंगापुर कैनेडा एंड ब्राजील ये कंट्रीज हैं इनके बाद नेक्स्ट रैंक किसका है इंडिया का तो इंडिया टॉप टेन में आता है जहां सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है और रैंक क्या है इंडिया का सेवनथ और एक चीज़ और है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ से होती है जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज़ गुड दो जी प्लीज इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां से आती है किस कंट्री से यस yes. इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां से आती है सिंगापुर सिंगापुर एक आइलैंड आपको पता छोटी सी कंट्री है जनरली जो ऐसी कंट्रीज होती हैं छोटी आइलैंड कंट्रीज होती हैं ये कंट्रीज क्या है एक टैक्स हेवन कंट्रीज हैं यहाँ टैक्स के रेट बहुत कम होते हैं तो ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज अपना वहाँ पे सेटअप करती हैं और वहाँ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करती हैं डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो इसलिए ऐसे ये छोटे आईलैंड हैं चाहे वो केमैन आइलैंड हो या वो सिंगापुर हो मॉरीशियस हो तो ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ये कंट्रीज़ तो इंडिया में मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट आती है वो कहाँ से आती है सिंगापुर क्लियर हो गया आप सभी को टैक्स वहाँ पे कम होता है तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ टैक्स पे कर देते हैं इंडिया में करते नहीं ठीक है जी कि हमने तो जी वहाँ पे टैक्स पे कर दिया वहाँ एक्चुअली क्या है वो अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर देते हैं कि हमें कम टैक्स देना पड़े इसलिए कंपनियाँ ये कुछ काम करती हैं टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं ऐसी कंट्रियों को तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती है और अब बात करें यू की यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यू एन सी टी इसका हेडक्वार्टर लिखा हुआ है कहाँ पे है जेनेवा में और ये बना कौन से ईयर में 1964 कौन से ईयर में बना है 1964 सिक्सटी पहला क्वेश्चन आ गया कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये देता है दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए जी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो ग्लोबली एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो भी कौन देता है तो आंसर क्या आएगा आपका यू एन सी टी एडी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पहली न्यूज क्लियर होगी आप लोगों को सभी को क्लियर है जी आगे चलें चलिए आगे देखिए जी क्या है रबाब फातिमा अपॉइंटेड एज यूएन यूनाइटेड नेशन अंडर सेक्रेटरी जनरल अभी रिसेंटली क्या हुआ आपको पता यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो एंटोनियो गटर्स कहीं पे नाम लिखा होगा एंटोनियो गटर्स जो है जो मेन जो वो है यू के सेक्रेटरी जनरल उनका इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इनका असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है किसको रबाब फातिमा ये क्या है सेक्रेटरी यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स अपॉइंटेड अम्बेसडर रबाब फातिमा जो कि कहां की रिप्रेजेंटेटिव कहा है बांग्लादेश से उनको क्या बनाया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनरल तो कौन है एंटोनियो गटस और असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल किसको लगाया गया है रबा फातिमा को किसका यूएन का ये है किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये बांग्लादेश और दूसरी चीज़ इसके बाद ये तो हमें सारा याद हो गया ये कि ये बेसिक चीज़ है अगर हम आगे बात करें यूनाइटेड नेशन की आप लोग जल्दी से बताओ कि यूनाइटेड नेशन कौन से ईयर में बना है आंसर दीजिए यूनाइटेड नेशन कौन से ईयर में बना है यूनाइटेड नेशन बना है आपका 1945 कौन से ईयर में बना है 1945 में यूनाइटेड नेशन हमने पहले भी कई बार क्लासेस में ये बात की है कि जो टर्म है यूनाइटेड नेशन यूएन जो टर्म है ये यूएन टर्म किसने दी थी आपको मैंने पहले भी बताया अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वो बंदे थे जिन्होंने पहली बार यूनाइटेड नेशन टर्म का जिक्र किया कि एक टर्म है जिसको बोला गया यूनाइटेड नेशन इससे पहले 1919 में 1919 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन एक ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सिले ट्रीटी ऑफ वर्सलेस इस ट्रीटी के अंदर क्या बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस क्या बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस तो बाद में लीग ऑफ कुछ कंट्रीज का एक समूह बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस उसको ही चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया यूनाइटेड नेशन क्लियर है चीज लीग ऑफ नेशन से क्या बन गया बाद में यूनाइटेड नेशन नाइनटीन में क्लियर है आपको सभी को क्लियर है ये चीज चलिए आगे देखिए क्या है ये तो हो गया बेसिक चीजें जो यूनाइटेड नेशन है यूनाइटेड नेशन के सिक्स ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के छह ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से आपने सुना होगा एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जहां सभी कंट्रीज मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लास्ट वीक में ये न्यूज में था आपको पता यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल फिफ्टीन मेंबर्स हैं पांच परमानेंट और दस नॉन परमानेंट जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो दो साल के लिए चुने जाते हैं जैसे इंडिया आज की डेट में नॉन परमानेंट मेंबर है पांच परमानेंट मेंबर हैं आप वो सर्च करके आओगे जिनको नहीं पता और क्या है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसल यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एक है आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट देखो पहले छे होते थे पहले छह ऑर्गन थे अभी एक ऑर्गन निकाल दिया गया वो मैं लास्ट में लिखवाता हूं एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसका हेडक्वार्टर हेग में है नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक होती थी यूएन ट्रस्टीशिप इसको अभी खत्म कर दिया गया यूएन ट्रस्टीशिप को ठीक है तो अभी हम पांच ऑर्गन मान लेते हैं कि यूएन के हैं कौन कौन से जनरल असम्बली सिक्योरिटी काउंसिल इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यू एन सेक्रेटरीट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आपने सुना होगा कि ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है स्पेशलाइज एजेंसीज अलग होती हैं ये यू एन के मेन ऑर्गन हैं जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यू एन की वो इसके अंडर बनाई जाती हैं यूनाइटेड नेशन इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसके अंदर बनाई जाती हैं यू एन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी के अंडर चलती हैं सभी को क्लियर हो गया जी यूनाइटेड नेशन के बारे में क्लियर है येस और नो चलिए जी आगे देखिए क्या है डेवेंसी मिशन नाम है इसका डीप एटमोसफेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस ठीक है जी केमिस्ट्री एंड इमेजिंग ये सेटल ये मिशन नासा ने लॉन्च करना है कब दो में टू जीरो टू नाइन उसमें नासा ये मिशन लॉन्च करेगा मिशन का नाम क्या है डा डीप एटमोसफेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग तो उसके लिए ये दो हज़ार टू जीरो टू नाइन में किया जाएगा इसके साथ साथ कभी आपको नाम आ जाए डेविंसी और एक नाम है वेरिटस वेरिटस तो यह भी नासा का विनस के लिए ही है यह भी नासा ने विनस के लिए ही किया है तो यह भी नाम याद रखना वी ई आर आई टी ए एस और इंडिया भी इस पे काम कर रहा है इंडिया ने भी रखा है कि 2024 में हम वेनस के लिए मिशन भेजेंगे अपना 2024 इंडिया पे उस पे काम कर रहा है इसरो भी उस पे काम कर रहा है कि 2024 तक हम भी अपना मिशन लॉन्च करेंगे फॉर वेनस अगर हम वेनस की बात करें इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है क्योंकि इसका सिमिलैरिटी इन साइज एंड डेंसिटी इसका साइज और डेंसिटी अर्थ अर्थ के इक्वल है है सिमिलर थोड़ा इसलिए अर्थ का ट्विन भी इसे कहते हैं अगर आपको पता है कि अगर ये सन है, सन है से पास सबसे प्लेनेट कौन सा है मरकरी फिर कौन सा आता है आपका विनस लिख नोट कर लेना विनस को मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोलते हैं क्योंकि सुबह शाम आप इसको देख सकते हो नेक डाई से ठीक है जी ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लानट भी वीनस को बोला जाता है और दूसरी चीज वीनस ऐसा प्लानट है जो आपका ईस्ट टू वेस्ट घूमता है जैसे बाकी के प्लान वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं वीनस और यूरेनस ऐसे दो प्लानट्स हैं जो आपके ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं ये भी याद रखना वीनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है मॉर्निंग इवनिंग स्टार इसे बोलते हैं ब्राइटेस्ट प्लानट ये है और दूसरा सबसे लंबा दिन अगर कहीं पे होता है तो वो विनस पे होता है सबसे लॉन्गेस्ट डे सभी प्लानट्स में सबसे लॉन्गेस्ट डे कहाँ पर होता है विनस में और लास्ट पॉइंट है कि सबसे हॉटेस्ट प्लानट भी वीनस ही है सबसे हॉटेस्ट प्लानेट विनस क्यों है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की तरह वो रिएक्ट एक्ट करती है और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये सबसे हॉटेस्ट प्लानट माना जाता है विनस क्लियर होगी ये चीज तो तो डावेंसी याद रखना नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन्होंने क्या किया एक ऐप लॉन्च किया ऐप का नाम क्या है सिस एप्लीकेशन सिस एप्लीकेशन मतलब चिल्ड्रंस की रिहेबिलेट करना है चिल्ड्रंस को कौन से चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस जो चिल्ड्रन्स या स्ट्रीट्स में आप देखने को आपको मिलते हैं कि या तो बैगर का काम का करते हैं कि उनका शोषण ना हो बच्चों का ऐसे इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सिस ऐप क्या नाम है जी उसका सिस ऐप तो जनरली सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपनी ये कुछ वर्डिक्ट दी थी जिसके अंदर ये काम करना पड़ा ये ऐप बनाई गई ताकि बच्चों को रिहेबिलेट किया जाए उनको एजुकेशन दी जाए ताकि वो एजुकेशन ले सकें और अपना फ्यूचर को थोड़ा अच्छा कर सके और इसके साथ साथ ही अगर ऐसा किया जाएगा तो यह क्या होगा आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है कि बच्चों को आपने अर्ली चाइल्डहुड केयर सॉरी अर्ली चाइल्डहुड केयर बोल रहा हूं आपने बच्चों को सिक्स से फोर्टीन ईयर्स तक आपने उनको एजुकेशन देनी है ये मौलिक कर्तव्य है माँ बाप का या उनका जो पालन पोषण कर रहे हैं उनका तो अगर इस एप्लीकेशन से बच्चों का रिहेबिलेट किया जाएगा उनको एजुकेशन दी जाएगी तो ये इस फंडामेंटल ड्यूटी को भी चीज़ फुलफिल करेगी जो यहाँ पे दिया है आर्टिकल 51 ए जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है आप लोग जल्दी से मुझे एक बात बताइए हमारे संविधान का कौन सा फंडामेंटल राइट right है जो ये बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर की प्रोहिबिशन की बात करता है किस फंडामेंटल राइट right में लिखा है बताइए जल्दी आंसर दो जी किस फंडामेंटल राइट में लिखा है कि चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आर्टिकल ट्वेंटी थ्री तो फोर्स लेबर के लिए है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री तो फोर्स लेबर के लिए है आर्टिकल ट्वेंटी फोर है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर फंडामेंटल राइट आर्टिकल ट्वेंटी थ्री तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के लिए है ठीक है जी प्रॉपर पर्टिकुलर जो चाइल्ड लेबर के लिए है वो कौन सा है आर्टिकल ट्वेंटी फोर और दूसरी रही बात अगर आपसे कभी पूछ ले कि प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में आया है ये याद रखना प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट कौन से ईयर में आया 2005 और इसी के एक्ट के अंदर ये कमीशन बना हुआ है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स क्लियर है बात आगे देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले मैं काफी बार बता चुका हूं कि न्यूज़ में आप लोग को क्या देखना है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप हुआ वो कहां पे हुआ बाकू में हुआ आजरबाईजान में और इंडिया ने टोटल फाइव मेडल जीते दो गोल्ड और तीन सिल्वर ठीक है जी और रैंक क्या आया इंडिया का फिफ्थ पोजिशन आई जिन्होंने दो गोल्ड गोल्ड जीते वो कौन है टॉप पर किसने किया कोरिया सब सबसे ऊपर है कोरिया सबसे ऊपर है फाइव गोल्ड थ्री ब्रॉन्ज और उसके बाद अमेरिका वगैरह है स्वप्निल कौशल एंड आशी चौकसी वन द गोल्ड इन 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन्स इनमें उनको गोल्ड मेडल मिला है आप याद रखना है ये दोनों नाम स्वप्निल कौशल एंड आशी चौकसी 50 मीटर राइफल उसमें इनको अवार्ड मिला है थ्री पोजीशंस में अवार्ड मिला है गोल्ड मेडल मिला है और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडकोर्टर कहाँ पर है मुनिज जर्मनी क्लियर है और इसमें कुछ नहीं याद रखना कहाँ पे हुआ बाकू आजहरबाई में हुआ 2022 का इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप इंडिया का फिफ्थ रैंक है पांच मेडल इंडिया ने जीते जिसमें से दो गोल्ड है और तीन सिल्वर है दो गोल्ड जीते उनके नाम ये हैं नॉर्वे चेस टेंथ एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस 2022 वाज हेल्ड एट फिनास पार्कन इन स्टवेंजर नॉर्वे आप सिंपल नाम याद रखना बिल्कुल लास्ट लाइन देखो विश्वनाथन आनंद वॉन द फाइनल राउंड अगेंस्ट तो नॉर्वेजियन चेस प्लेयर आर्यन तारी टू प्लेस थर्ड रैंक क्या है इनका थर्ड रैंक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं जी याद रखना क्लियर होगी ये बात आगे चलिए चरणप्रीत सिंह चरणप्रीत सिंह ने क्वेश्चन पूछा कि सर इंडिया का जो विनस का मिशन है उसका नाम च, शुक्रयान है हां जी उसका नाम शुक्रयान है 2024 में हमने उसको लॉन्च करना है विनस के लिए आप सही बोल रहे हो उसको शुक्रयान भी बोला जाता है ये ध्यान रखना उड़ान उड़ान सेलिब्रेट्स 2022 जीरो टू टू एट इट्स फिफ्थ एनिवर्सरी ईयर देखो उड़ान स्कीम क्या है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम एक्चुअली में 2016 में शुरुआत हुई फिर 2017 में उड़ान 1.0 देन 2.0 3.0 4.0 आगे 4.1 ये ऐसे चला आ रहा है अलग अलग वर्जन हम उड़ान के लेके आ रहे हैं उड़े देश का आम नागरिक इसमें क्या था सब्सिडाइज रेट पे सरकार ने क्या बोला सरकार क्या कर रही है एयर कनेक्टिविटी कर रही है हर छोटे एरिया के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हम वहाँ पे एयरपोर्ट बनाएंगे छोटा और वहाँ वहाँ पे हमने एयर कनेक्टिविटी देनी है हाल ये ना रहे कि वो जगह सिर्फ रेलवे से या एयर बसेस वगैरह से कनेक्ट रहे उसको हमने एयर से भी कनेक्ट करना है एयर कनेक्टिविटी भी देनी है तो आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर फ्लाइट्स जाती हैं और फ्लाइट्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है हर छोटी जगह से ये जो फ्लाइट्स होंगी इनमें जो टिकट का प्राइस होता है वो बहुत ही कम होता है सब्सिडाइज रेट पे होता है और घंटों के हिसाब से उसका मेरी टिकट होती है तो ये सरकार की स्कीम थी कि उड़े देश का आम नागरिक कि जो आम लोग भी हैं वो भी प्लेन में सफ़र कर सकें एक जगह से दूसरी जगह जा सकें उसके लिए ये स्कीम थी तो अभी उसका फर, आ, फिफ्थ एनिवर्सरी उसकी सेलिब्रेट की गई है उड़े देश का आम नागरिक क्लियर है चीज़ और इस स्कीम को इंप्लीमेंट कौन करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही बेसिक सी न्यूज है आगे देखिए ट्वेंटी फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑफ फाउंडेशन फाउंडेशन डे ऑफ ईयर आएगा वैसे तो बिमस्टिक ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी है हम फाउंडेशनल डे भी कह सकते हैं फाउंडेशनल ईयर सेलिब्रेट किया है बिमस्टिक का बिमस्टिक की फुल फॉर्म क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन आप यहाँ पे देख सकते हो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ये इंडिया है इंडिया के यहाँ पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल तो आपके जहन में एक बात रहनी चाहिए कि इस तरफ वाली कंट्रीज की बात होगी बे ऑफ बंगाल इधर वाली कंट्रीज की कोई बात नहीं होगी मतलब पाकिस्तान मेंबर नहीं हो सकता अगर हम बात करें डिटेल में अगर हम बात करें डिटेल में अभी क्या है याद रखना बिम्स्टिक के मेंबर्स की अगर मैं बात करूं हम इसके नाम पे ही लेते हैं जैसे ये है आपका बिमस्टिक तो बी से इधर वाली साइड दो देश हैं, कौन से एक है बांग्लादेश और दूसरा है आपका भूटान ऊपर है तो इस साइड ही ना है तो इस साइड ही है, है चाहे यहां पर भूटान और उसके बाद आई से क्या है इंडिया एम से क्या है उधर म्यांमार एस से क्या है नीचे इस तरफ श्रीलंका और टी से क्या है इस तरफ थाईलैंड एक नाम रह गया क्योंकि ईसी को हम कंसीडर नहीं करते एक नाम अलग से कौन सा रह गया नेपाल तो ये सात देश हैं कौन कौन से बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यंमार श्रीलंका थाईलैंड एंड नेपाल इन देशों का एक ये ग्रुप है इन देशों का एक ये ग्रुप है जिसको बोलते हैं बिम्स्टेक इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है इस रीजन में ठीक है जी अगर इसको 25 हो गए बिम्स्टेक का जो फाउंडिंग है 1997 में इसको बनाया गया है कौन से ईयर में बनाया गया है 1997 और 1997 में इसको बनाया गया और बनाने के लिए एक डेक्लरेशन हुई थी उस डेक्लरेशन का नाम क्या था बैंकॉक डेक्लेशन क्या बोलते हैं जी बैंकॉक डेक्लेशन याद रखना बैंकॉक डेक्लरेशन के अंदर का गठन हुआ बैंकॉक बैंकॉक में डेक्लरेशन हुई उसके अंदर इसका गठन हुआ 1997 में बिम्स्टेक का तो अभी ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है बिम्स्टेक की क्लियर है और इसने अपना नया जो इनका सेक्रेटरीट है वो ढाका में अभी शुरुआत की है उसकी तो ये पहले तो बेसिक सी चीज है ये आप ध्यान रखना कितनी कंट्रीज इसके मेंबर हैं ये पूछ सकता है सात कंट्रीज हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड एंड नेपाल और 1997 में बना अंडर बैंकॉक डेक्लरेशन ये सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको याद रखना 2014 में बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरिएट है उसको कहाँ स्टैब्लिश किया गया ढाका बांग्लादेश क्लियर हो गया सभी को याद रहेगा ये फैक्ट याद रहेगा प्लीज बताइए आप लोगों को कंट्रीज याद होगी कि बिम्स्टेक कंट्री कौन कौन सी है यस और नो क्लियर है बांग्लादेश भूटान इंडिया म्यांमार श्रीलंका थाईलैंड एंड नेपाल 1997 बैंकॉक डेक्लेशन ओमनी कार्ड बिकम्स फर्स्ट आरबीआई लाइसेंस पीपीआई टू लॉन्च कैश विड्रॉल अक्रॉस ऑल ए पैन इंडिया ऑटोमेटेड टेलर मशीन ए जो होता है चलिए पहले आप एक चीज देखिए कि पीपीआई क्या है पीपीआई की फुल फॉर्म है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स एक चीज़ समझिए मान लो कोई कंपनी है उसने बोला कि हम प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स देंगे आपको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होगा मैंने उस कंपनी के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स ले लिए पर मुझे पैसे पैसा पे करना पड़ा मान लो मैंने उस कंपनी को एक लाख रुपया दिया वैसे तो इसमें होता है कि दस हज़ार होता है अगर आपकी वो अच्छा है कि लिमिट अच्छी है या कुछ है तो एक लाख तक हो सकता है अदरवाइज दस हज़ार तक का होता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा मान लो मैंने कंपनी को दिया एक लाख तो मैं उस कंपनी से कुछ भी सामान खरीद सकता हूं उस एक लाख रुपए का पैसे पहले जरिए सामान मैं कभी भी खरीद लूं वो होता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अब इसमें देखिए क्या है जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है वो तीन तरह के होते हैं एक होता है क्लोज एक होते हैं सेमी क्लोज और एक होते हैं आपके ओपन तीन होते हैं तीन तरह के पीपीआई होते हैं क्लोज्ड पी पी आई सेमी क्लोज्ड पी पी आई एंड ओपन पी पी आई क्लोज्ड पी पी आई में क्या होता है मान लो अगर आ, मैंने किसी कंपनी के पी पी आई हैं मेरे पास प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो मैं भाई उसी कंपनी से सामान खरीद सकता हूं कहीं और से नहीं जो मेरे पास प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं मैं उनका यूज़ उसी कंपनी का सामान खरीदने में कर सकता हूं वो होते हैं क्लोज्ड पी पी आई और सेमी क्लोज में क्या आएगा मान लो किसी कंपनी ने मुझे पी पी आई दिए हैं मैं क्या करूँगा मतलब मैंने वहां पे पैसा दिया है तो मैं क्या करूंगा उस कंपनी के साथ अगर किसी और का टाई अप हो रखा होगा किसी और दूसरी कंपनी का तो मैं वहां से भी सामान ले सकता हूं पैसे मुझे पहले ही देने हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट तो मैं वहां से भी सामान ले सकता हूं वो होता है सेमी क्लोज्ड और ओपन पीपीआई में क्या होता है अगर मैंने किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया है हालांकि कोई भी वो हो तो मैं क्या है उस पैसे को एटीएम के थ्रू निकलवा भी सकता हूं जरूरी नहीं कि समान ही लूँ उस पैसे को मैं एटीएम के थ्रू निकलवा भी सकता हूं तो ओमनी कार्ड पहला आरबीआई के द्वारा लाइसेंस पीपीआई बन गया है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स बन गया है जिसने क्या किया है कि आप इंडिया में कहीं भी एटीएम से पैसे निकलवा सकते हो तो ये क्या होगा एक तरह से ओपन पीपीआई होगा जो ओमनी कार्ड है क्लियर एवरीवन सभी को क्लियर हो गया जी मतलब आप इसका यूज करके कुछ भी चीज ले सकते हो पहले आपको मतलब प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ये समझ लगा यस और नो प्लीज जल्दी से लिखिए एवरेस्ट ग्रुप टी सी एस रिटेंड इट्स टेंथ पोजिशन ये लास्ट वीक की पुरानी न्यूज़ है ठीक है जी दोबारा इस बार आई हैी लॉगन वॉन द टू जीरो टू टू स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी ये क्या होता है जनरली स्पेलिंग जो होते हैं उनको बोलना होता है डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स को डिक्टेट uh, करना होता है जैसे डिक्शनरीज में लिखा हुआ है तो ये भी एक कम्पिटिशन होता है तो अभी किसने ये कम्पिटिशन जीता हैरानी हरा, uh, हैरीनी लॉगन जो कि एक इंडियन ओरिजन है इंडियन ओरिजिन पर्सन है टेक्सस यूएस में इनको ये अवार्ड मिला है क्लियर है चीज़ तो ये नाम याद रखना इससे पहले इंडिया के बालू नटराजन ये अवार्ड जीत चुके हैं इंडियन ओरिजिन थे जिन्होंने स्पेलिंग बी कंपटीशन जीता था 1985 में इस बार का याद रखना बस ओ भाई ये मोनिका कौन है ऐसा कुछ नहीं हुआ ठीक है ऐसे झूठी अफवाहें नहीं फैलानी है क्लियर है ये आपको समय लग गया ऐसे कमेंट ना करो भाई ठीक है जी मोनिका कुमारी ऐसे गलत कमेंट ना करो लोगों को गुमराह नहीं करना ऐसा कुछ नहीं है ऐसे जनरली मजाक में बोल रहा हूं बट ऐसा है भी नहीं कुछ तो जनरली ऐसे कमेंट नहीं करने आप लोगों ने जो यहां ऑफलाइन मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कि ऐसा नहीं है ठीक है फॉर्मूला वन मैक्स बैट्समैन विंस आजर ग्रैंड प्रिक्स आपको पता है मैक्स बैट्समैन जो है जो ये हैं ये किस उससे हैं कौन सी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं रेड बुल रेडबुल के हैं मैक्स वेट्सपेन जो कि बेल्जियम है कि इन्होंने आज़रबाइजान में जो फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको इन्होंने जीता है तो सिंपल वन लाइन ईयर न्यूज है ध्यान रखना है इस चीज का कि आज़रबाइजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था फार्मूला वन रेस ये किसने जीता है मैक्स वेट्सपेन जो कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडबुल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑलरेडी हम चाइल्ड लेबर के बारे में बात कर चुके हैं तो इसका थीम याद रखना यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर क्लियर है चीज ये इसका थीम याद रखिएगा नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 सिंपल कुछ नहीं याद रखना ना ही आपके कोई काम की चीज़ है हमारी गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि जो एरो स्पोर्ट्स होते हैं जो एयर में स्पोर्ट्स गेम्स होती हैं चाहे वो स्काई डाइविंग भी उसमें आ जाएगा तो ऐसी गेम्स में इंडिया अब एक पॉलिसी बनाएगा खुद की एक पॉलिसी बनाएगा तो वो क्या है नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी दो हज़ार कि दो हज़ार तीस तक इंडिया इस पर काम करेगा इंडिया अपने अच्छे प्लेयर्स को ऊपर लाएगा और कुछ भी नहीं है आप छोड़ सकते हो इस न्यूज़ को नहीं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है अब आपका वहम दूर हो गया होगा ऐसा कुछ नहीं है इंडियन नेवी कंडक्ट्स एट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल विद इंडोनेशियन नेवी इंडियन नेवी ने अभी एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडोनेशियन नेवी के साथ इंडियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है इंडोनेशिया की नेवी के साथ जिसका नाम क्या है कॉरपोरेट आपको याद होगा लास्ट सैटरडे हमने एक बात की थी कि इंडिया इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में भी एक एक्सरसाइज होती है नेवी की जिसको कॉरपेट कहते हैं अभी इंडिया इंडोनेशिया के बीच में भी एक एक्सरसाइज हुई है और ये थर्टी एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया की जो कि कॉरपेट एक्सरसाइज है हुई कहां है एंड इंडोनेशियन द अंडेमान सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का अब आप लोगों को एक चीज जाननी है कि भाई स्ट्रेट क्या होती है वट इज स्ट्रेट स्ट्रेट क्या होता है अगर आप देखो कि ये इंडिया है यहां पे ये श्रीलंका है आपको पता है यहां पे एक पाक स्ट्रेट है आप लोगों ने सुना होगा पाक स्ट्रेट क्या मतलब क्या है स्ट्रेट उसको बोला जाता है जो दो बड़े समंदरों को जोड़े इस तरफ क्या है आपको पता है इस तरफ है जी अरेबियन सी इंडिया के और इस तरफ क्या है जी आपको पता है इस तरफ है बे ऑफ बंगाल तो पाक स्ट्रेट क्या करती है पाक स्ट्रेट कनेक्टिंग अरेबियन सी विद बे ऑफ बंगाल तो स्ट्रेट किसको बोला जाता है विच कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं पाक स्ट्रेट क्लियर एवरीवन चलो फालतू की बातें मत करो ठीक है पार्टी ये फालतू की चीज़ें नहीं है ठीक है मैं पहले ही बोल चुका हूँ नहीं तो लोगों ने यही मान लेना है ऐसा ही कुछ हो गया है ठीक है ना यहाँ ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो यहाँ आके पूछ लेना मेरे स्टाफ से पूछ लेना काम करो माजन सर को कॉल कर लेना कि ऐसा हुआ या नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है फालतू की बातें नहीं करनी थोड़ा फोकस करो जो पढ़ रहे हैं अभी तो ऐसी कुछ नहीं, नहीं यार मेरी क्यों मुझे इतना जल्दी वो कर रहे हो रशिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया टू बिकम्स इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर आपने सुना होगा ये न्यूज हम पहले सबसे अपना जो तेल जो इंपोर्ट करते थे इराक फिर हम सऊदी अरेबिया अभी रिसेंटली रशिया ने ओवरटेक कर दिया सऊदी अरेबिया को और सेकंड हमारा सप्लायर बन गया अगर हम ऑयल की बात करें ठीक है जी ऑयल सप्लाई की बात करें क्रूड ऑयल की बात करें इंडिया क्रूड ऑयल में इंडिया में क्या है इंडिया को एक फ़ायदा ये है कि रशिया से एक तो हमें जेन रेट पर कुछ क्रूड ऑयल मिल रहा है और उसके बाद इंडिया में रिफाइनरी हैं हम उसको रिफाइन करके एक तो अपना यूज़ कर रहे हैं और दूसरा क्या है हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ को बेच भी रहे हैं रिफाइन करके तभी हमारे जो प्राइस है जो ऑयल का वो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है और इंडिया की इकोनमी थोड़ी सी ऊपर आएगी इस चीज़ से क्योंकि हमने कहाँ से लेना शुरू कर दिया है रशिया से और पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी है कि भाई इसी वजह से अरब देश जैसे सऊदी अरेबिया है या कोई और कंट्रीज़ हैं उन्होंने आजकल हमारे ऊपर हमें प्रेशराइज करने की कोशिश कर कर रहे हैं वो कि आ, कोई चाहे तो रिलीजियस मुद्दे को लेके हो कि इंडिया मुस्लिम टॉलरेट कंट्री नहीं है ये है वो है तो ऐसा भी वो हमको प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनकी इकोनमी में थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ है क्योंकि हमने कहीं और से किसी और कंट्री को पैसा देके तेल लेना शुरू कर दिया है और उनके पीछे हैंड आपको पता है यूएस वगैरह ऐसी कंट्रीज हैं जो वहां पे रिफाइन करती हैं तेल निकालती हैं तो दिक्कत तो सभी को होगी तो ये रीज़न हो सकता है कि इंडिया को आजकल टारगेट किया जा रहा है कि भाई आप ऐसा करते हो आप ऐसा करते हो तो बट न्यूज हमारी क्या है कि इंडिया जो है वो अब रशिया उसका सेकेंड बड़ा सप्लायर बन गया है क्लियर होगी ये चीज़ हाँ जी क्लियर है सभी को यस और नो क्लियर हो गया ये सभी को आगे देखिए जी क्या है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आप इसको नहीं याद रखोगे आपने इसको नहीं याद रखना इसको स्किप कर सकते हो न्यूज को इंडियन रेलवे लॉन्चेज फर्स्ट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम मैं आपको एक चीज़ मैंने पढ़ाई थी कि इंडियन गवर्नमेंट अभी कुछ टाइम पहले हमने एक स्कीम पढ़ी थी 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत गौरव स्कीम चलाई थी जिसके अंदर ये ट्रेन चलाई गई हैं भारत गौरव स्कीम के अंदर ट्रेन चलाई जाएंगी जो कि लोगों को इंडिया का रिच कल्चर इंडिया का हेरिटेज वो दिखाएगी मतलब वहाँ पे लोग घूम सकते हैं उनमें कि वो देख सकते हैं कि इंडिया कितना ज़्यादा रिच है डाइवर्सिफाई है इंडिया का कल्चर कैसा है कितना इंडिया का हेरिटेज है रिच उसके लिए सरकार ने स्कीम चलाई थी भारत गौरव स्कीम रेलवे की स्की स्कीम मतलब रेलवे के रिगार्डिंग था कि ट्रेन इसमें चलानी थी हमने तो पहली ट्रेन उसके अंदर चलाई गई है कोयम्बा तमिलनाडु से कहाँ पे शिरडी महाराष्ट्र तक तो ये पहली ट्रेन उसके अंदर चलाई गई है भारत गौरव स्कीम के अंदर आप समझ गए होंगे कि इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है नीचे भी लिखा हुआ है भारत गौरव स्कीम इट शोकेस इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज एंड मैग्निफिसेंट हिस्ट्री प्लेसेस टू पीपल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड थ्रू भारत गौरव ट्रेन ये स्कीम का मेन मोटिव था ठीक है जी अगर आपने हमने 2021 में ये स्कीम को पढ़ा था 2021 में ये स्कीम लॉन्च हुई है और इंडिया मैंने आपको उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन भी दिए थे दोबारा फिर आज लिख रहा हूं स्वदेश दर्शन स्कीम स्वदेश दर्शन स्कीम और दूसरी स्कीम है प्रसाद स्कीम यह फिर आज क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को आपको आइडिया होगा कि ये दोनों टूरिज्म से रिलेटेड स्कीम्स हैं स्वदेश दर्शन स्कीम आप मुझे सर्किट्स बताओगे अलग अलग सर्किट्स इनके अंदर बनाए गए हैं कि ट्रेनें कहाँ से कहाँ तक चलेगी लोगों को क्या क्या दिखाया जाएगा जैसे बुद्धिस्ट सर्किट है एक कि जहाँ पे गौतम बुद्ध का उनकी लाइफ से वो है रिलेटेड है उन जगहों को कनेक्ट किया जाएगा आपस में एक टूरिज्म हब बनाए वो एक टूरिज़्म सर्किट बनाया जाएगा तो ऐसे स्वदेश दर्शन पूरे देश के आपको दर्शन करवाए जाएंगे दैट इज़ स्वदेश दर्शन स्कीम और एक प्रसाद स्कीम है ये दोनों स्कीमें टूरिज़्म से रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव पॉलिसी फॉर ड्रोन्स पहली स्टेट बन गया हिमाचल प्रदेश जिन्होंने ड्रोन्स के लिए पॉलिसी को अप्रूव किया है अप्रूव किया है पॉलिसी बनाई भी है और अप्रूव भी किया है तो हिमाचल प्रदेश पहली स्टेट बन गया है ऐसा गवर्नमेंट अपॉइंट्स फोर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स फॉर फोर ईयर्स ऑन आर सेंट्रल बोर्ड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जी बहुत कॉमन न्यूज़ है मुझे नहीं लगता आपसे पूछेगा कि फोर पार्ट टाइम डायरेक्टर्स कौन कौन से आर के आपको नहीं पूछेगा ये चीज़ ठीक है जी आरबीआई के डायरेक्टर कौन है पताइए चलो मैं हो मुझे ऐसा लगता है कि पता होगा और एग्जामिनर को भी ऐसा ही लगता है कि आपको पता होगा इसलिए वो पूछता नहीं है ठीक है वो अलग बात है कि चलो हमें नहीं पता होती चीज़ें ठीक है लगता है एग्जामिनर को कि ये तो पता ही होगा ये मैं पूछ के अपनी बेजती क्यों करवाऊँ बट उसे नहीं पता रहे उसे नहीं आइडिया कि हमें तो ये भी चीज़ नहीं पता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो ऐसी बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए ये नहीं याद करने रहे अपने चार डायरेक्टर न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं सशस्त्र सीमा बल सशस्त्र सीमा बल जो है एक्चुअली ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है कौन सी फोर्स है जी पैरामिलिट्री फोर्स आपको पता है कि पैरामिलिट्री एक तो होती है आर्मी है नेवी है एयर फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं पैरामिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो ठीक है जी ये किसके अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जैसे कि आईटीबीपी है सीआरबी सीआरपीएफ है क्लियर है सीआईएसएफ है बीएसएफ है या आपकी असम awesome राइफल्स है या फिर आपकी सशस्त्र सीमा बल है ये जो है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती हैं सशस्त्र सीमा बल फोर्स क्यों बनाई गई थी सशस्त्र सीमा बल जो ये है 1963 में इसका गठन किया गया इसका गठन करने का रीजन क्या था क्योंकि चाइनीज एग्रेशन जब चाइनीज एग्रेशन हुआ आफ्टर चाइनीज एग्रेशन इसको बनाया गया जो चाइना ने ह... चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी 1962 में उसके बाद 1963 में सशस्त्र सीमा बल का गठन किया गया और इनका काम क्या है कौन से बॉर्डर पर रहते हैं ये नेपाल और भूटान इंडिया का जो नेपाल और भूटान का बॉर्डर है ठीक है जी इंडो नेपाल एंड भूटान बॉर्डर वहाँ पर इनको लगाया जाता है तो इसके नए डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं सुजोलाल थोसन एस एल मध्य प्रदेश कैडर के हैं इनको अपॉइंट किया गया है क्लियर होगी ये चीज फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका सबसे पहला चीज आपने जो नोट करनी है वो है ये कि ये कौन से टाइम हुई है ये फोर्थ खेलो इंडिया गेम्स है सबसे पहली बार हुई थी दो में क्लियर है 2017 में हुई थी फिर बीच में ड्रॉप भी हुआ एक साल दो में पहली बार गेम्स हुई थी याद रखना और अभी जो इनका फोर्थ एडिशन हुआ था दो में वो कहाँ पर हुआ था हरियाणा में एट ताऊ देवी लाल स्टेडियम इन पंचकूल्ला हरियाणा क्लियर है चीज़ जिसमें हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल जीते और महाराष्ट्र ने उसके सेकंड रैंक महाराष्ट्र का थर्ड रैंक किसका आया है कर्नाटका का ठीक है जी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं हरियाणा ने क्लियर है और इस गेम्स को द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 टाइटल स्पॉन्सर जो था वो कौन सा एस बी आई पी एन बी जो था वो एसोसिएट स्पॉन्सर था जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई थी 2021 में जो कि हरियाणा में हुई थी पंचकुला में ये याद रखना और ये फोर्थ एडिशन था लिखा हुआ है 2017 में ये शुरू हुआ ये चीज चलिए जी आगे देखिए एक बार मैं चेक कर लूंगा रविंदर और जगमीत की 2018 है या 17 है ठीक है जी प्रपोज हुआ था मे बी टू में और उसके बाद 18 में इसको करवाना शुरू हुआ था एक बार मैं चेक कर लूंगा ये चीज ठीक है जी तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हम, मैं नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा आपको बता दूंगा तमिलनाडु एमर्ज एज द लार्जेस्ट स्टेट विद आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स पोर्टफोलियो माइक्रो फाइनेंस माइक्रो का मतलब छोटा फाइनेंस का मतलब पैसा देना माइक्रो फाइनेंस लोन्स पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन हैज रिलीज उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है माइक्रोमीटर रिपोर्ट जो सारा ये कुछ डाटा लिखा ये करने की आपको जरूरत नहीं तमिलनाडु हैज़ ओवरटेकन वेस्ट बंगाल एज द स्टेट विद द लार्जेस्ट आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स कहते हैं छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स जिन्होंने छोटे छोटे लेवल पे लोन्स प्रोवाइड किए ठीक है जी माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिए वो सबसे ज्यादा लोन इशू करने वाली स्टेट कौन सी बनी है तो उसका नाम है तमिलनाडु छोटे लेवल पे जो लोन दिए जाते हैं माइक्रो फाइनेंस जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए उनको पैसा दे दिया उनको कुछ लोन दे दिया ताकि वो काम कर सके वो माइक्रो फाइनेंस होता है छोटा क्लियर है तो तमिलनाडु सबसे टॉप पे है उसके बाद आएगा आपका बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल पीएम श्री स्कूल टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर सीधा पेपर में आ जाएगा कि व्हाट इज पीएम श्री स्कूल ये क्या है प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स को फॉर फ्यूचर टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर मतलब उनको लेबोरेटरी प्रोवाइड करनी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी लिखा हुआ था ठीक है जी कि हमने स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है उनको लेबोरेटरी प्रोवाइड करनी है ताकि वो कुछ सीख सकें उनको स्किल प्रोवाइड करने हैं ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ही जैसे पीएम श्री स्कूल में भी ये बात हुई है ये ऑलरेडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी ये बात की थी आप लोग जल्दी से मुझे बताइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी एन सबसे पहली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई नाइनटीन में दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई नाइनटीन और फिर एजुकेशनल पॉलिसी आई 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन से ईयर में आई 1968 सिक्सटी एट सेकेंड आई नाइनटीन में इस बार जो न्यू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई वो कौन से ईयर में आई 2020 में तो ये थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी रिलीज की थी सरकार ने एक दो साल पहले आपको uh, अगर मेरे पुराने लेक्चर आप देखोगे तो उसमें एक लेक्चर में मैंने मैंने सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था जो 2020 की हुई थी आप लोग भी प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वोकेशनल ट्रेनिंग किस क्लास से देनी शुरू करनी है क्योंकि वोकेशनल भी तो एक तरह से स्किल प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू हम बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू सिक्स क्लास से करना है जो पहले प्लस वन प्लस टू में हुआ करता था ठीक है जी तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है पेपर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जनरली इंटरनेशनल फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन्होंने एक इंडेक्स रिलीज किया है वर्ल्ड कंपिटेटिवनेस इंडेक्स कंपिटिटिवनेस इंडेक्स का ऐसा नहीं है कि कंपटीशन हो रहा है या कुछ हो रहा है कौन सी कंट्रीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं हमने चार ग्राउंड्स पे देखा है सबसे पहला मान लो इंडिया है इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है कैसा इंडिया इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहा है अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भाई इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखेंगे दूसरा हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कितनी है हमारी सरकार कितनी एफिशिएंट है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हर अ, साल के बाद सरकार चेंज हो रही है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी देखेंगे कि सरकार काम कर रही है तीसरा हम देखेंगे कि बिज़नेस एफिशिएंसी कितनी है इंडिया में बिज़नेस करना कितना एफिशिएंट है फ़ायदा है या नुकसान है और फोर्थ हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या भाई पानी आता है क्या फैक्ट्रियों में लाइट आती है क्या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है लेबर है सारा कुछ है तो इन चार ग्राउंड्स के ऊपर ये इंडेक्स रिलीज होता है कौन से कि उस कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वहाँ की सरकार की एफिशिएंसी, वहाँ के बिजनेस में एफिशिएंसी कितनी होगी और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन चार के ग्राउंड्स पे ये चार फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ये आपका जनरली इंडेक्स जारी होता है और इंडिया का रैंक लास्ट टाइम 43 था इस टाइम रैंक थर्टी सेवन मतलब इंडिया में ये चीजें इंप्रूव हुई हैं, ठीक है जी हमारे इंडिया में ये चीजें इंप्रूव हुई हैं, क्लियर है अब इंडिया का रैंक क्या है थर्टी और टॉप किसने किया है डेनमार्क ने टॉप किसने किया है जी डेनमार्क क्लियर हो गया सभी को क्लियर है सभी को जी ये चीज इंडिया हैज रैंक सिक्सटी एट इन ओवरऑल स्किल प्रोफिशियंसी ग्लोबली सारा कुछ न्यूज में नहीं पढ़ना सिंपल याद रखना ओवरऑल स्किल प्रोफिशियंसी की अगर बात करें स्किल की कितने लोगों के अंदर स्किल्स है स्किल प्रोफिशियंसी कितनी है तो इंडिया का रैंकी एट है और ओ, इंडिया में अगर किसी स्टेट की बात होगी तो वेस्ट बेंगाल टॉप पे आएगा स्किल्स में क्लियर है चीज वेस्ट बेंगाल स्टेट से रैंक नंबर वन इन टर्म्स ऑफ स्किल प्रोफिशियंसी अक्रॉस द थ्री डोमेन्स जो भी फैक्टर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमजा अब्दी बैरे अपॉइंटेड सोमालिया प्राइम मिनिस्टर ये ऐसे ऐसे अफ्रीका है अफ्रीका पे यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया यहाँ पे है सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो इसके नए पीएम अपॉइंट हुए नाम क्या है हमज़ा अब्दी इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिजाइल पृथ्वी टू आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं बहुत बार क्लासेस में ये बता चुका हूँ कि इंडिया का एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है अब मैं आज ये दोबारा नहीं करवाऊंगा क्योंकि उनको लगेगा कि बार बार यही बताई जा रहा है क्योंकि इसमें बताने वाले ही यही चीज़ है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लास्ट वीक भी बताया था जब अग्नि फोर की बात हुई थी ठीक है जी ये प्रोग्राम है इंडिया का जिसके अंदर इंडिया के पांच मिसाइल सिस्टम है आप लोग जानते हो एक का नाम है पृथ्वी एक का नाम है अग्नि एक का नाम है त्रिशूल एक का नाम है आकाश और एक का नाम है नाग ठीक है जी ये पांच मिसाइल सिस्टम है अभी पृथ्वी टू जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है इसका रिसेंटली क्या किया है टेस्ट किया है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है बैलिस्टिक मैंने आपको बताया ये होता है बैलिस्टिक जो ऐसे चलती है और जो मिसाइल ऐसे चलती है ये क्या होती है आपकी क्रूज ठीक है जी तो अग्नि भी, भी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी भी आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है क्लियर है ये चलती है क्रूज और जो ये ऐसे चलती हैं ये होती हैं आपकी बैलिस्टिक बैलिस्टिक की रेंज भी हाइट भी ज्यादा जाती है और दूर भी ज्यादा जाती है जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ठीक है जी ये आपको पता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिजाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982-83 डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम काफ़ी बार करवा चुका हूँ ये क्लास वीकली होती है ठीक है जी एक डेली भी चलते हैं करंट अफेयर अगर आप देखोगे ब्राइट के ठीक है जी वो जनरली डिस्कस करते हैं थोड़ी थोड़ी न्यूज़ को फिर हम वीकली उसको डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी रेन्यूएबल्स दो हज़ार बाईस ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रेन्यूएबल्स टू जीरो टू टू ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट पब्लिश बाई द ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी आर ई एन टू वन इंडिया प्लेस थर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ टोटल रेन्यूएबल पावर कैपेसिटी इंडिया वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर है जिसके पास सबसे ज्यादा रेन्यूएबल कैपेसिटी है फॉलोइंग ओनली चाइना एंड यूएस सबसे ज़्यादा चाइना सेकेंड यूएस और थर्ड पर कौन है इंडिया रेनुएबल मान लो सोलर uh, एनर्जी हो गया विंड एनर्जी हो गया हाइड्रो एनर्जी हो गया ये हमारी रेन्यूएबल एनर्जीज हैं इनमें इंडिया का कहते कि इंडिया का थर्ड रैंक है किसके लिए कैपेसिटी के रिगार्डिंग रेन्यूएबल पावर कैपेसिटी की बात करें अगर अच्छा मुझे एक बात बताओ इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर न्यू सोलर पीवी फोटोवोल्टिक कैपेसिटी इन एशिया एंड थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली इतनी हमारे पास कैपेसिटी है पीवी जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं जनरली जो सोलर पैनल्स बने होते हैं मैंने काफी बार बताया है कि सोलर पैनल्स किस चीज के बने होते हैं जल्दी से आंसर दो सोलर पैनल्स किस चीज के बनते हैं वो फन अकेडमी किस पर अलग से लेक्चर बनाना है प्लीज बताइए सिलिकॉन वेरी गुड चरणप्रीत ने आंसर दिया है सिलिकॉन सोलर पैनल किस चीज से बने होते हैं सिलिकॉन से बने होते हैं ठीक है जी वो उसमें ज्यादा यूज होता है तो उससे वो चीज बनाई जाती है सेमी होते हैं गुड बट सिलिकॉन उसमें यूज होता है बरगंडी प्राइवेट हरून इंडिया स्पेशल रिपोर्ट इन्होंने रिलीज किया कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड बिकम्स इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड ये बोरगोडी प्राइवेट हुरु ने एक डाटा रिलीज किया है वर्ल्ड टॉप हंड्रेड ब्रांड्स फोर इंडियन कंप्राइजे नेमली टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एच बैंक इन्फोसिस एंड एल टॉप हंड्रेड ब्रांड्स में से चार ब्रांड्स इंडिया के हैं ठीक है जी वो कौन कौन से हैं टी सी एस है एच डी एफ सी है एल आई सी है एंड इन्फोसिस है एप्पल रिटेन इट्स फर्स्ट पोजिशन क्लियर है चीज फॉलोड बाई गूगल एमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पहले सौ में से चार ब्रांड्स हैं जो जिनका क्या है जनरली टॉप ब्रांड्स हैं हंड्रेड ब्रांड्स में से चार इंडिया के भी हैं तो ये आपका न्यूज़ थी लास्ट वीक की तो आगे हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीक जो भी नेक्स्ट वीक में न्यूज होंगी उनको हम देखेंगे क्लियर है ये सारी चीज़ें इसकी जो आपको पी है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल होगी ठीक है जी ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी पी मिलेगी ठीक है जी एवरीवन जो लास्ट वीक की अगर नहीं डली तो वो भी साथ में डल जाएगी ओके जी थैंक यू